एक क्वेश्चन है, कॉस सिक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का क्यूब डीएक्स। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो मुझे भेजा गया, बहुत सारे बच्चों ने देखे, कौन कौन भेजा है कमेंट कीजिए। आज भी आया ये क्वेश्चन, बोला है कॉस एक्स बटा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का क्यूब। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है किसी ने, कैसे बनेगा सर? तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बाबू, देखा जाए। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। याद है ना, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस एक्स की जगह पे, देखो कॉस टू थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ एक्स बाई टू हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है, क्यूब पे पावर चार पांच दस बीस पचास कुछ भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमने कॉस एक्स की जगह पे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, वो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब। ओके, ये देखिए, यहां जो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। बच्चा देखो, ये वाला पूरा इसके एक पावर से कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डीएक्स, ये बचेगा। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? अब हम ना नीचे वाले को जेड मान लेंगे। देखिए कैसे, समझिएगा आगे कैसे बनेगा। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे वाले को जेड मान लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट जेड बराबर, लेट जेड बराबर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू को जेड मान लिया। डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बटा डी एक्स, कॉस एक्स बाई टू का क्या होता है माइनस साइन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का क्या होगा बाबू, वन बाई टू। एक्स बाई टू का डिग्री तो मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू, प्लस कॉस साइन एक्स बाई टू का क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वन बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए, यहां से अगर आप माइनस वन बाई टू बाहर निकाल दीजिएगा, डी जेड माइनस वन बाई टू बाहर निकाल लीजिएगा, तो क्या बचेगा यहां से? देखो तो कॉस वाला जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और ये वाला किस में हो जाएगा, तो हमको माइनस चाहिए भी नहीं, क्योंकि कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू माइनस में ही दिया होता, सिर्फ हम वन बाई टू, यानी सिर्फ हम इसमें से टू निकाल के इधर भेज देंगे, टू डी जेड हो जाएगा, वन बाई टू निकाल के इधर भेज देंगे और डी एक्स को उधर भेज देंगे। तो बेसिकली बचेगा क्या, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये डी एक्स जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, cos x by 2 minus sin x by 2 dx बराबर इस पूरे की जगह पे cos x by 2 minus sin x by 2 dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2dz, और इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, z। हमने cos x by 2 plus sin x by 2 को क्या माना है, z माना है, यानी z का स्क्वायर। बाबू मेरा 2 बाहर निकल गया, z का पावर minus 2dz। बोलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z का पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन z का पावर माइनस टू प्लस वन बटा माइनस टू प्लस वन, यानी बेसिकली यहां से माइनस वन आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस टू बटा z, माइनस टू बटा z प्लस c, z का पावर माइनस वन आएगा ना, तो माइनस वन जब आएगा तो माइनस वन को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो आ गया माइनस टू बटा z प्लस c, माइनस टू बटा z, z की जगह क्या था बाबू,
जेड की जगह था कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी मेरा आंसर होगा। छापिए इसको, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।